नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, वैज्ञानिक टीम मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से प्रदेश के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रदेश में मौसम की जानकारी को हासिल करते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान वेस्ट एमपी में 34.9 अशोकनगर में दर्ज किया गया और ईस्ट एमपी में सबसे अधिक तापमान सतना में 35.6 डिग्री को पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। रेनफॉल की बात करेंगे तो वेस्ट एमपी में फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुआ है और कोई भी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट नहीं हुआ और सबसे अधिक रेनफॉल जो है 61.6 mm मानसून जिले के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ईस्ट एमपी के अंदर वाइड स्प्रेड रेनफॉल को पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया और आठ स्टेशनों में जो है वो हैवी रेनफॉल को दर्ज किया गया, अर्थात 6 से 12 सेंटीमीटर के अंदर उनकी रेनफॉल को रहा है और हाईएस्ट रेनफॉल सिद्धि के अंदर 100.0 mm रेनफॉल को रिकॉर्ड किया गया। प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और साथ ही हरियाणा और नेबरहुड के ऊपर 1.5 किलोमीटर के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसी तरह से साउथ गुजरात के ऊपर एक 3.1 किलोमीटर के ऊपर से लेके और 7.6 किलोमीटर के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इससे एक ट्रफ 5.8 किलोमीटर के ऊपर जो है वो वेस्ट जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हैं उन तक एक ट्रफ जो है वो जा रहा है। इसके होते आप देख सकते हैं कि अधिकांश भागों में एमपी के इस टाइम जो है वो क्लाउडिंग और रेनफॉल और थंडर और लाइटनिंग का जो है इस टाइम माहौल इस टाइम बना हुआ है। तो आइए आगे आने वाले दिनों में और मौसम की जानकारी का विस्तृत जानकारी लेते हैं। आज की अगर बात करेंगे तो आप ब्लू कलर के अंदर जो साउथ ईस्ट के जिले हैं और एक्सट्रीम नॉर्थ के जो जिले हैं उनके अंदर अधिकांश क्षेत्रों में जो है वो वर्षा होने की जो है वो संभावना है। साथ ही जो हमारे सदर्न के जो वेस्ट पार्ट के जिले हैं, बक, छबुआ, धार, इंदौर, खारवानी, खंडवा जैसे जिलों के अंदर जो है वो अनेक स्थानों में वर्षा होने का आज अनुमान है। हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीक और मंदूर, कटनी, उमरिया, जबलपुर, शाहडोल, डिंडोरी, मंडला, शिवनी जैसे जिलों के अंदर हैवी रेनफॉल अर्थात 64.5 से लेकर 115.5 mm के अंदर होने की आज संभावना है। प्रदेश के जिलों के अंदर जो है वो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गरजी विंड 30-40 किलोमीटर की आज चलने की आशंका अभी बनी हुई है। दो तारीख की बात करेंगे तो मौसम की गतिविधि जो वर्षा की गतिविधि है उसमें हल्का सा जो है वो गिरावट कल आने की उम्मीद है और हैवी रेनफॉल जो है वो मेनली अनूपपुर और सिंगरौली जैसे जिलों के अंदर ही हैवी रेनफॉल और बाकी जिलों के अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी विंड विद स्कैटर्ड और मेनली और मोस्टली पार्ट्स के अंदर जो है वो 30-40 विंड्स के साथ जो है वो कल होने की संभावना बनी हुई है। तीन तारीख की बात करेंगे तो वर्षा की गतिविधि में एक बार फिर से जो है वो तेजी महसूस की जाएगी और अधिकांश जो नॉर्थ के जो हमारे पार्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स हैं और जो साउथ के पार्ट्स हैं वहाँ मेनली और मोस्टली प्लेसेस के ऊपर जो है वो वर्षा होने का संभावना है। साथ ही जो हैवी रेनफॉल है वो ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, पन्ना, दमोहा, विदिशा, रायसेन, जबलपुर, उमरिया, शाहडोल जैसे जिलों के अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल को डे थ्री में अर्थात 3 तारीख को दर्ज होने की संभावना बनी हुई है और जिलों के साथ बाकी जिलों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी विंड 30-40 किलोमीटर भी जो है वो साथ में रहेगी। चार तारीख की बात करेंगे तो वर्षा की गतिविधि का जो क्रम है वो चलता रहेगा और हैवी रेनफॉल जो है वो मेनली भिंड, दमोहा, रायसेन, विदिशा और गुना जैसे जिलों के अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल को अर्थात 64.5 से लेकर 115.5 mm रेनफॉल को जो है वो दर्ज किया जाएगा। 5 तारीख की बात करेंगे तो रेनफॉल की गतिविधि जो है वो जारी रहेगी और मेनली जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स हैं उसके अंदर जो है ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा जैसे नर्मदापुर जैसे जिलों के अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल को दर्ज किया जाएगा और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी विंड 30-40 किलोमीटर के साथ जो है जिलों के अंदर होने की जो है वो संभावना बनी रहेगी। तो कुल मिला के अगर 5 दिनों की बात करें तो वर्षा की गतिविधि के अंदर जो है वो डे 3, 4 और 5 के अंदर जो है वो अच्छी बढ़ोतरी मानी जा रही है और अनेक जिलों के अंदर जो है वो कुछ जो है वो जिलों में हैवी रेनफॉल को भी दर्ज किया जाएगा।